जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मैं आप लोगों सभी लोगों से इतना प्रेम, मेरे को इतना प्रेम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं आपका बहुत अधिक एहसान मंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखना। वैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत ही खास वनस्पति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो वनस्पति आपके घर में ही, आपके किसी पड़ोस या आपके किसी गार्डन में अवश्य ही देखे होंगे। आपने घर के दरवाजे के आगे, किसी के घर के दरवाजे के आगे, किसी के गमले में, किसी की छत पर यह पौधा और यह पुष्प जरूर देखा होगा। मैं एक पुष्प की भी यहाँ खास बात कर रहा हूँ जिसमें कोई खास महक नहीं आती दोस्तों, इसमें कोई खास स्मेल नहीं आती है। इस पुष्प की जो औषधीय गुण होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इस पुष्प के। इस पुष्प का नाम शायद आप देखते ही जान गए होंगे, यह अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, अपने एरिया में, आपकी जगह पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं तो इसे जल्दी सदाबहार के नाम से जानता हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ इसे लोग सदाबहार के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे पेरीविकल विंग का भी कहा जाता है। और इसके बहुत ही ज़बरदस्त औषधीय गुण होते हैं, अनेक प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे रोगों में, चुटकियों में ये छुटकारा दिला देता है। लेकिन कोई भी लोग जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो वनस्पति को जानते हैं, कोई भी घास फूस हो या सारे जितने भी औषधि गुण होते हैं, किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, क्योंकि औषधि में जो गुण पाए जाते हैं उनका कंपैरिजन विज्ञान भी नहीं कर सकता दोस्तों, है ना। तो हमारे यहाँ जो अंग्रेजी दवाई होती है उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि औषधीय गुण वाले जो वनस्पति पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनका जितना ज़बरदस्त काम करते हैं ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में बने रहिए अंत तक, आप यह जानेंगे कि सदाबहार का जो पौधा है वो कितना ज़बरदस्त है, उसकी किस तरीके से आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को ये ठीक कर सकता है। और जो सदाबहार का पौधा होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वो देशी भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। जो देशी होते हैं ना, वो कई रंगों के होते हैं, जो खासकर इसमें दो रंग होते हैं देशी होते हैं, वह एक तो सफ़ेद रंग का होता है और एक होता है गुलाबी रंग का, ठीक है। तो सदाबहार जो होता है वो देशी होते हैं, और देशी में किसी भी ज़मीन पर उगते हैं, कोई खास केयर की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। यह जो पौधा है कहीं भी उग सकता है, कम पानी की जगह पर भी उग सकता है, ज़्यादा पानी की जगह भी उग सकता है। तो सदाबहार का पौधा है बड़ी आसानी से निकल जाता है, बड़ी आसानी से आप इसको जो है उगा सकते हैं। और सदाबहार का जो पौधा होता है, इसके पुष्प जो होते हैं पूरे साल के लिए रहते हैं, यानी सदाबहार का मतलब होता है साल भर, सदा फूली, यानी साल भर फूल देने वाली। लेकिन इसका जो एक किस्म होती है हाइब्रिड होती है, जो कि बाहर से आई हुई है, वो हाइब्रिड किस्म क्या है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, तो पूरे साल पौधा नहीं देता, पूरे साल पुष्प नहीं देता। लेकिन ये जो हमारी देशी वाली सदा फूली होती है, सदाबहार होती है, ये हमेशा ही साल भर ही फूल देती है। तो ये सेंसिटिव होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, इनको भी केयर भी करनी पड़ती है, है ना। और लेकिन हमारे जो देशी होती है उसकी कोई केयर की जरूरत नहीं पड़ती, पूरे पूरे साल पुष्प देते रहते हैं, पूरे के साल इसमें पुष्प आ रहते रहते, तो इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी होते हैं। हाइब्रिड वाले पौधे में कोई औषधीय गुण नहीं होते। तो ये खास तरीके से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देशी वाली, या हमारी जो भारतवर्ष की जो सदाबहार फूली है, सदाबहार है, उसी को आपको लगाना चाहिए अपने घर में, ताकि आप इसका उपयोग भी ले सकें। तो आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं, या फिर इसके बीज भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर सदाबहार का प्लांट होता है या सदाबहार का पौधा होता है, उसके नीचे ही जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे बीज वहीं झड़कर, वहीं पर कई सारे छोटे छोटे प्लांट भी यहाँ पर उग जाते हैं, तो आप उनको भी उखाड़ करके ला सकते हैं और अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। तो कई सारे बड़े सिंपल तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके जो औषधीय गुण हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनका जो पंचांग होता है, मतलब कि इसका जो फल, फूल, पत्ता, जड़, हर तरह से बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो कोई भी वनस्पति हो, तो वनस्पतियों का जो प्रयोग करने का, यूज़ करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। यदि आप वनस्पति को गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये गलत इफेक्ट दे सकते हैं। तो खास तरीके से कोई भी चीज़ सही तरीके से हम उसे करेंगे तो वही वह उपाय उसका कारगर होता है, क्योंकि दवा तभी काम करती है जब सही टाइम पर सही तरीके से उसको ली जाए। यदि आपने गलत तरीके से उसको ले ली तो फिर वो दवा काम नहीं करती है। तो जो सदाबहार का जो देसी ब्रांड आपको दिख रहा है, उसके बारे में जो औषधि गुण है, हम एक एक करके किस बीमारी में किस तरीके से लेने पर ये काम करता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आज हम सब जानने वाले हैं इस सदाबहार के जितने भी उपाय हैं, जितने भी कारगर जो ये है, कितनी बीमारियों में ये कारगर है। दोस्तों, आपने देखा होगा कॉलोनियों में, सब में आपने जरूर ये पौधा तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसका औषधि गुण आपको पता नहीं होगा। तो हम लोग एक एक उपाय शुरू करते हैं। यह सदाबहार का जो प्लांट है कितना ज़बरदस्त है, आपको कितना आपको फ़ायदा दिला सकता है। तो पहला नंबर का जो है वो बीमारी है, वो उसमें ज़बरदस्त काम करता है, शुगर। इसको हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं, शक्कर बीमारी। शुगर वाले पेशेंट के लिए रामबाण उपाय है दोस्तों, ये एकदम बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और आपको कैसे करना है ध्यान में समझिएगा। जिसको शुगर होती है,
यानी शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, तो है ना, शुगर वाली जो मरीज होती है जिनको शुगर हो जाती है, तो वो मीठी चीज़ नहीं खा पाते, है ना, मीठी चीज़ों को उनको मतलब अवॉइड करना पड़ता है, मीठी चीज़ों को वो नहीं खा पाते। और बाई चांस कोई फोड़ा फुंसी निकल गया तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होते। तो शुगर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चाय का स्वाद भी नहीं ले पाते, चाय भी नहीं पी पाते, वो भी फीकी पीनी पड़ती है। तो आज के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे यदि आप इसका ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके 3 से 4 पत्ते लेने हैं, जो सदाबहार होती है उसके 3 से 4 पत्ते, गमले में यदि आपकी उगी हुई है तो आप 3 से 4 पत्ते आप इसके ले सकते हैं। और 3 से 4 पत्ते लेकर के आप इसको सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो मुश्किल से 2 महीना अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा, जैसे कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, तो उस कंडीशन में उन व्यक्तियों को 3 से 4 पत्ते हर रोज़ सुबह खाली पेट यदि ले लें तो आपका जो शुगर होता है, जो मधुमेह की बीमारी रहती है, वो कंट्रोल हो जाती है। इसका जो तरीका होता है लेने का वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जो 3-4 पत्ती है वैसे खाकर चबा लेते हैं, लेकिन जब चबाते तो लंबे समय में मुंह में रखते हैं तो बहुत थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, ये थोड़ी कड़वी लगती है। तो स्टार्टिंग में जब खाते खाते आप बन जाएंगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी। तो बेहतर हो सके कि आप इसको हाथ में मसल लें और इसका पानी जो है उसको पानी से निकलें, मतलब आप क्या करेंगे, हाथ में इसको थोड़ा मसल लें, पानी से निकल लें। तो यदि आप कड़वा सहन नहीं कर पाते तो फिर ये काम कर सकते हैं, और यदि आप कड़वा सहन कर पाते तो आप डायरेक्ट ही खा लीजिए, है ना। आप इसके फूलों को भी 2-3 फूल जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, लेकिन पत्ता ज़बरदस्त काम करता है। ये पत्ता जो होता है इसका मेन जो है इसमें पत्ते में ही है ना, लेकिन ये काम तो सभी करता है, जैसे पंचांग जो इसका होता है, फल फूल पत्ती तना सब कुछ इसका काम करता है। इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं सुबह के समय में, यदि शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यदि आप इसका काढ़ा बनाकर पिएँ तब भी इसमें आपकी जो शुगर की बीमारी है उसमें बहुत ज़्यादा आराम आपको देखने को मिलता है। दूसरा नंबर की जो बीमारी है वो उन पेशेंटों के लिए, उन मरीजों के लिए है जो कि बीपी से बड़े परेशान हैं, जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है। अब ब्लड प्रेशर लो भी रहता है, ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है, तो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो कहीं भी वक्त किसी भी वक्त आपकी जान ले सकता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप 3-4 पत्ते रोज़ सुबह के समय अपना खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्या करें, 3-4 पत्ते लीजिए, 3-4 पत्ते लेकर के आप ऐसे ही चबा चबा करके खाइए, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा और किसी भी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, है ना, जिनको फोड़े फुंसी हो जाते हैं, शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी निकल जाता है, ठीक है, कील मुहासे निकल जाते हैं, है ना, चेहरे या आँखों के नीचे झहियाँ पड़ जाती है, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो ये एक हर्बल प्लांट है, इसका पुष्प है और इसकी पत्तियों का जो है आप क्या सही तरीके से इस्तेमाल करिए तो आपका ब्लड प्योरीफाई भी करता है ये साथ में। जैसे आप इसको खा लेते हैं ना, तो स्किन डिजीज़ क्या होता है, ब्लड की कमी के कारण यानी ब्लड की खराबी के कारण होता है, खून की खराबी के कारण होता है। तो स्किन डिजीज़ यदि आपको एक्सटर्नली ठीक करना है, मतलब बाहर से आप इसको लगाना चाहते हैं, बाहर की स्किन है, स्किन पर आप इसको लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 3-4 पत्ते लीजिए, 4-5 पत्ते ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 3-4 पत्ते लेने और इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके आपको थोड़ा सा जहाँ भी आपको फोड़ा फुंसी हुआ है, जहाँ भी फबूदी हुआ है, वहाँ पर आप इसका लेप लगा लें। मुश्किल से आप दिन में 2-3 बार लगाएंगे तो आपको कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, है ना। जो शुगर होती है, जिनको शुगर वाला जो मरीज होते हैं, शुगर वाले जो मरीज होते हैं, उनको फोड़े फुंसी जल्दी से ठीक नहीं होते, तो इसके बाद क्या, इसका पेस्ट बना करके थोड़ा सा जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर लगाइए, तो 100% इससे राहत मिलेगी, बहुत ही जल्दी इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। चौथे नंबर का जो उपाय है वो है, जैसे कोई कीड़ा डंक मार देता है, मधुमक्खी हो गया, तित्तौर हो गया, ये सब जो हैं छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो डंक मार देते हैं, तो डंक मारने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। तो आप क्या करें, इसका पेस्ट बना ले पत्तियों का, और पत्तियों का पेस्ट बना करके जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसको क्या करना, उसको वो खींच लेता है। जैसे आप इसका जो पेस्ट बना करके वहाँ लगाएंगे तो उसको क्या है, वो पूरी तरह से दर्द को खींच लेगा, तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, तो आप दर्द रहित हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, आपका वेट लॉस भी कम करने की कोशिश करता है, अर्थात आपका जैसे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप मोटापे के मारे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, आपके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, है ना, आपकी चर्बी कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको इसके पत्ते को हर सुबह अपनी डाइट में लेना शुरू कर देना है, है ना। सुबह सुबह आप क्या करें, वेट लॉस चाहते हैं तो आप इसके पत्ते जो है वो डाइट के साथ आप खाएं सुबह सुबह, है ना। तो आप क्या करें कि इसको यदि आप ऑन करेंगे तो आपका जो भोजन, थोड़ा सा आपको भोजन कम करना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप दबा के खा रहे हैं, मतलब जैसे आप पत्ते खा रहे हैं सुबह सुबह वेट लॉस के लिए और आप भोजन भी दबा के खा रहे हैं, तो उससे तो कोई वेट लॉस कम नहीं होगा। आपको वेट लॉस यदि कम करना है तो आपको एक को खाना कम खाना पड़ेगा, यानी आपको भोजन कम करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, इस पत्ते को आपको लेना शुरू करना पड़ेगा सुबह। तो सुबह सुबह क्या करें, 3 से 4 पत्ते
आप ले लें, तो उससे 100% आपका एक या दो हफ्ते, मतलब ये मान लीजिए एक हफ्ते में या दो हफ्तों में आपका 3 से 4 किलो तक वेट कम हो सकता है, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और यदि 1 से 2 किलो तो आपका 100% कम हो गया होगा, ठीक है ना। तो हफ्ते में यदि 2 किलो आराम से इसका कम हो जाता है, ज़बरदस्त रूप से कम करता है। 3 से 4 पत्ते आपको जीवन में डेली खाने हैं, ठीक है। अब जैसे कोई 6वां नंबर का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई भी व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावन हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और बहुत जल्दी थक जाता है, तो आप क्या करिए, इसकी जो जड़ होती है सदाबहार की, उस जड़ को आप ले लीजिए और जड़ को सुखा करके, जो सुखा लीजिए पूरा, और जड़ का आपको क्या बनाना है, चूर्ण बनाना है। अब चूर्ण बनाना है, उसको सुखा करके पीस लें, पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में आपको क्या करना है, उसका चूर्ण बनाना है, और चूर्ण को आपको क्या करना है, दूध के साथ लेना स्टार्ट कर देना। तो बहुत ही जल्दी आपको जो कमजोरी की शिकायत है, जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी, कमजोरी की समस्या थी, वो दूर हो जाएगी। और यदि आप उस उपाय को नहीं कर पाए, तो सिंपल सा आपको काढ़ा बना के रख लीजिए बोतल में, आप इसका काढ़ा बना लीजिए, पंचांग का इसका काढ़ा बना लें और पंचांग का काढ़ा बना करके इसको बोतल में भर दें और फ्रिज में रख लें। तो रोज़ आपको दवा के तरीके से 2-2 रक्कन आपको सुबह के समय इसको पीना है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हमेशा इसको खाली पेट ही लेना है दोस्तों, है ना, क्योंकि बाद में लेते तो उतना ज़बरदस्त ये काम नहीं देता। खाली पेट यदि आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। अब है अगला उपाय जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो है दिमाग की कमजोरी। बहुत से लोगों के दिमाग की कमजोरी होती है, ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग में नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है, उनका दिमाग बहुत धीरे धीरे चलता है, दिमाग में थकावट होती है और दिमाग में टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा वो थकावा महसूस करता है। तो इसके पत्ते के सेवन आप क्या करें, इसके पत्ते का सेवन में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। यदि आप इसके पत्ते का सेवन करेंगे, जैसे आपका कोई बच्चा है और वो तो पढ़ाई करता है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका जो दिमाग है वो कमज़ोर है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसका जो मस्तिष्क है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करें, इसके पत्ते को उसको खिला दें 3-4 पत्ते रोज। तो यदि ऐसा कर देंगे आप, तो इससे क्या होगा, इसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा नित्य, यानी रोज आपको सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक करता है दोस्तों ये। अगर कैंसर बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लग जाए, तो शुरुआती स्टेज में ये कैंसर बीमारी को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और शुरुआत के स्टेज में तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं, 2 से 3 पत्ते आपको यूं ही चबालियां करें सुबह सुबह, तो कैंसर के सेल्स होते हैं शुरुआती में जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होना शुरू होते हैं, यदि आप इसे लेना शुरू कर देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। ये कैंसर के सेल्स को एक्टिवेट होने ही नहीं देता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत सारे हैं, तो उनके सेल्स को वहीं पे मार देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो उसे कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो बढ़ नहीं पाते, पनप नहीं पाते, तो इससे कैंसर की जैसी घातक बीमारी शरीर में नहीं हो पाती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारा आपको सदाबहार के पुष्प के बारे में बताया, इसके पौधे के बारे में बताया, और आप इसको अपने घर में गमले में जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप भी इस तरह का फ़ायदा उठा पाएँ। सदाबहार दोनों प्रकार का होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि देखा जाए तो औषधीय रूप में आयुर्वेदिक दोनों जबरदस्त इसके उपयोग होते हैं, और मैंने आपको आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, धार्मिक उपाय नहीं बताया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी प्रकार की जैसी समस्या हो, जूझ रहे हैं, लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, यदि आप इसको लेना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में जो भी आने वाली समस्याएं बीमारी हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे, या जो भी आपको बीमारी है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, और आप खुशी से आपका परिवार अपने साथ, आप अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम।